चलते रहना। This is very important to activate all our lower body. वेनस लॉस हमारे ऐसे हैं, हाथों को थोड़ा ऐसे कर सकते हो। Come on, now start. Again, normal. कभी भी वार्म अप करते हो तो जस्ट टेक केयर कि ब्रीदिंग विदाउट आपका वजन ना चाहिए। अभी थोड़ा नॉर्मल, वी हैव टू डू लेट यू वॉक, पूरा हाथ ऊपर और ये नीचे, आईज एंड ऑल, वेरी मच इम्पोर्टेंट। सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। बहुत अभी दोनों हाथ में लॉक थोड़ा ऑन कर लेंगे, स्ट्रेच करेंगे दोनों को, थोड़ा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे ऐसे, और भी आगे फिर धीरे धीरे पीछे और फिर आगे अगेन। कोई भी फीस होल्ड कर राइट साइड सांस लेना वेरी गुड सीधा लेफ्ट साइड बहुत बढ़िया। अभी हाथ को ऐसे रखेंगे और जोर नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे पीछे की तरफ थोड़ा जाएंगे, जितना आप जा सकते हो उतना दोनों हाथों को छोड़ देंगे, फिर से थोड़े बॉडी में एनर्जी का संचार करना। सांस आपको हर एक स्टेज में लेना है, वो बात ध्यान रखना है। रिलैक्स, एक बार और करेंगे, दोनों पैरों को 6 इंचेस ऊपर उठाएंगे हवा में, बाकी पूरा शरीर आपका नीचे होगा, फील द स्ट्रेच। वेरी गुड, रिलैक्स। अब भुजंगासन में आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, कोबरा पोज भी बोलते हैं इसे, और धीरे से शरीर को ऐसे उठाना है और ऊपर की तरफ देखना है। सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। भुजंगासन हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए अमृत आसन है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से लचीला होता है, कमर दर्द यहाँ से पूरी तरह से आपका गायब होता है। जब भी आपको कमर दर्द लगे आप धीरे से आसन कर सकते हो, सांस लेते रहना छोड़ते रहना, धीरे धीरे नीचे आएंगे। दोनों हाथ को पकड़ना है और सामने से छाती को ऊपर की तरफ उठाना है और सीलिंग की तरफ देखना है, सांस अंदर और बाहर, और पीछे से पैरों को खींचने का प्रयास करें, ऊपर से शरीर को उठाएं। धनुरासन विच इज वेरी गुड फॉर अवर हार्ट लिवर एंड किडनी, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री में आपको वेट लॉस मिलना ही है उसके साथ। सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, रिलैक्स। मकर आसन में थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, हाथ के ऊपर अपने सर को ऐसे रख के सांसों को थोड़ा नॉर्मल होने दें।